विपक्षी दलों के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गायब होने के आरोपों पर अब विराम लग गया है और तकरीबन 40 घंटे बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अवतरित हो गए हैं। अवतरित होते ही हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर घटक दलों के विधायकों के साथ अपने चेहरे पर मुस्कान लिए गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू वाटिका में महात्मा गांधी को नमन कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने बापू के पद चिन्हों पर चलने की बात कही। वहीं हेमंत सोरेन ने तमाम विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि मैं था, हूं और रहूंगा। वहीं इस बीच बापू वाटिका में घटक दलों के विधायकों की एकजुटता भी देखने को मिली। मौके पर हेमंत सोरेन ने मीडिया और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा कि हम आपके दिल में हैं, किसी को कोई दिक्कत है क्या, मैं कहां हूं। महात्मा गांधी जी का आज पुण्यतिथि है और आज पूरा सत्ता पक्ष यहाँ उनके इस मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहा है। हमें गर्व है कि ऐसे लोग हमारे बीच में जन्मे और हमें मार्गदर्शन दिया, जिनके कदमों पर हम ही नहीं देश दुनिया भी इनके आचार विचार का अनुकरण करती है। हम सब निश्चित रूप से इसके लिए संकल्पित हैं कि महात्मा गांधी जी के विचार दबे नहीं और जिस तरीके से आजादी से लेकर आज तक उनको याद किया जाता है, उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाता है, हम सब मिलकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। और कुछ विशेष आपके दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है, किसको तकलीफ है? नहीं, क्या सवाल है, इसका मतलब क्या है? वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लापता होने की अफवाह और ईडी की कार्रवाई पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी दल कांग्रेस के विधायकों ने एकजुटता के साथ राज्य के विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने का लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी से डरने वाले नहीं हैं और हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। क्यों इसको बताएगा? इस बात को कहा था इसको सीधा वो नहीं है सामने में। आप भी देख लिए ना उनको, हम तो कल ही बोल दिए थे आप लोगों की 2 बजे बैठक होने वाली है आज, तो कहीं पे कुछ कहा थे वाला सवाल ही नहीं है। पोस्टर आप कई लोग न्यूज में भी डाले हैं कि 2 बजे हमारी मीटिंग होने वाली है, हमने बोला था और आज देखिए 2 बजे मीटिंग भी हुई। देखिए वो कुछ भी पोस्टर डाल सकते हैं, वो मेरा भी पोस्टर डाल सकते हैं, आपका भी पोस्टर, उनके पास आज़ादी है कोई भी चीज़ करने के लिए। लेकिन आप लोग के सामने जो आप लोग देख रहे हैं उन चीज़ों को कम से कम सच माने। अगर हम यहाँ खड़े और वो बोल दें कि अम्बा तो है ही नहीं दो चार दिन से, तो ये आपके विजडम पे है। तो सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं, अचानक से आपके माध्यम से कुछ भी पता चलता है तो उस पर कुछ लोग कुछ भी सोच सकते हैं, तो इस पर ज़रूरी होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहे, कोई भी मिस कम्युनिकेशन नहीं रहे। देखिए क्यों थे, कहाँ थे, ये बड़ा ही विचित्र समस्या है। ये तो और भारतीय जनता पार्टी के मुंह में करार तमाचा है। मैंने पहले भी कहा है कि कम से कम राजनीति कीजिए, वसूलों से समझौता मत कीजिए। हमने पहले भी कहा है कि वो हमारे राम हैं, मैं उनका हनुमान हूँ। आज वो आए और हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटी,
भगवान राम का दौरा है, राम का समय है और आज के दिन राम जी द्वारा प्रकट हुए तो ऑब्वियस है हम लोगों में काफी खुशी है। आज तो मीटिंग में सीता माता भी थी, क्या क्या संकेत है? तो आप लोग को कैसे मालूम थी कि नहीं थी? विजुअल था हमारे पास, क्या संकेत है? देखिए जहाँ भगवान राम वहाँ सीता, माता सीता, वहाँ लक्ष्मण वहाँ हनुमान, बात खत्म। अब सत्ता में भी हो गए थे तो राम जी ने कुछ कहा आपसे? फिर अब क्या 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 आपको बता दूंगा क्या? हनुमान जी से एक ही बात बने नहीं बनाए गए हैं और ये सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और गठबंधन की सरकार को अपदस्थ नहीं किया जा सकता। सारे माननीय विधायक एकजुट हैं और हम सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं। सर जिस तरह से मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा था कि सुबह से सस्ती महंगी बिकती है अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में, ये तो प्रायोजित तरीका है इनका। मतलब आप लोगों को पता था सर कि सीएम साहब कहाँ हैं? अरे सीएम साहब तो आपके सामने ना दिखे हैं और महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, उसमें बापू हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, अभी भी वही लोग हैं जो चाह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या करना। बहरहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार झारखंड में मची हलचल के बीच सियासी बदलाव भी देखने को मिल सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि अगर ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया जा सकता है।